शांत ग्रह, शीतलता का प्रतीक माना जाता है, ठंडा ग्रह। चंद्रमा 16 कलाओं में निपुण होता है और इस अंक के जातक को देखा गया है कई तरह के नॉलेज रखते, कई तरह की चीजों में रुचि लेते हैं। इनकी बुद्धि भी शाम को एक्टिव होती है। दोस्तों जय श्री राम, मैं मुकेश सिंह राजपूत आपके अपने चैनल मुकेश योर न्यूमरोलॉजिस्ट में आपका स्वागत करता हूँ। दो अंक के लोग कैसे होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है, इन्हें कौन से अंकों के साथ दोस्ती करना चाहिए, कौन से अंकों से दूरी बनाना चाहिए, किस कलर के कपड़े पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, आइए अपनी इस वीडियो में जानते हैं। जिनकी जन्म तारीख 2 हो, 11 हो, 20 हो और 29 हो, इस जन्म तारीख का स्वामी दो अंक और इनका ग्रह चंद्रमा होता है। चंद्रमा के बारे में जानते हैं। चंद्रमा एक शांत ग्रह है, शीतलता का प्रतीक माना जाता है, ठंडा ग्रह है और एक खूबसूरत ग्रह के रूप में देखा जाता है। इस तरह देखा जाए तो इस अंक के जातकों का भी स्वभाव शांत होता है। चंद्रमा जिस तरह सुंदर होता है, इस अंक के जातक दिखने में उसी तरह के सुंदर होते हैं और इनकी काया भी बहुत सुंदर देखी गई है। इस अंक के चंद्रमा ग्रह के कारण चंद्रमा 16 कलाओं में निपुण होता है और इस अंक के जातक को देखा गया है कि कई तरह के नॉलेज रखते, कई तरह की चीज़ों में रुचि लेते हैं, लेकिन चंद्रमा को ठंडा और शीतल के साथ साथ रानी का भी ग्रह कहा जाता है। रानी मतलब महिला होती है। अगर इस अंग के जातकों को देखें तो इनके नेचर में महिलाओं जैसे इमोशनल देखा गया है, बहुत इमोशनल प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत किसी व्यक्ति के साथ बहुत जल्दी जुड़ भी जाते हैं और छोटी छोटी बात पे तनाव होने के कारण उनसे दूरियां बना लेते हैं। चंद्रमा को क्रिएटिव ग्रह कहते हैं। इस ग्रह वालों का दिमाग एकदम से क्रिएटिव होता है, अपने दिमाग का जरूरत से ज़्यादा यूज करते हैं। अगर किसी के बीच में झगड़ा हो रहा है तो उनमें आपसी सहमति कराने के लिए मास्टर ग्रह के लोग होते हैं। ये झगड़े को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, ये ऑफिस में भी किसी तरह से तनाव और टेंशन में रहना पसंद नहीं करते हैं। इस अंक के जातक बहुत ही शौकीन होते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक, ब्रांडेड जूते और लग्जरी जिंदगी का जीने का शौक इनमें देखा गया है। इस अंक के जातकों में ये भी देखा गया है कि जिस तरह चंद्रमा शाम को निकलता है, इनकी बुद्धि भी शाम को एक्टिव होती है। ये अपने जीवन के बड़े और छोटे डिसीजन शाम को लेना पसंद करते हैं। इस अंक के जातकों में ये भी देखा गया है कि जिस तरह चंद्रमा रात में दिखता है, ये देर रात तक जो जगते हैं और देर सुबह इनकी दिनचर्या होती है, इसलिए इनको लोग लेजी और आलसी भी कहते हैं। चंद्रमा को नशीला ग्रह भी कहा गया है। इस अंक के जातकों में ये देखा गया है कि कई बार ये नशे के भी शौकीन होते हैं या इनकी मैरिज जीवन में कई पत्नियों का भी योग बनता है, लव रिलेशन इनमें सबसे ज़्यादा देखा गया है। कई बार लव के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं और एक तनाव भरी जिंदगी जीते हैं। इस अंक के जातकों को महिलाएं बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो शाहरुख खान के महिला समर्थक बहुत ज़्यादा हैं, अमिताभ बच्चन कहते हैं। इस अंक में ये भी देखा गया है कि इस अंक के जातकों का महिलाओं से बहुत गहरा रिश्ता होता है, इनमें हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। जब ये सामने वाले को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्हें सम्मोहित कर लेते हैं। इस अंक से जो महिलाएं पैदा होती है उनका स्वभाव बहुत ही तेज होता है, क्रोधी होता है, जिद्दी होता है, शौकीन मिजाजी होती हैं। दिन भर में आईने के पास 2 बार 4 बार 5 बार जाती हैं, अपने आप को फेमस कराने की उनमें होड़ लगी होती है। दूसरा, थोड़ी सी लेजी देखी गई है, ज़्यादा समय वो बिस्तर पर बैठ के पढ़ना, बिस्तर पर खाना और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आलसी भी देखी जाती है। बाकी इस अंक के जो महिलाएं हैं बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली महिलाएं होती हैं। इस अंक का लकी अंक होता है 1, 10, 19, 28, 5, 14, 23, 3, 12, 21, 30, 6, 15, 24। बेड अंकों में 8 और 4 को देखा गया है। दो अंक का लकी कलर होता है वाइट, दूसरा लाइट ग्रीन, तीसरा लाइट येलो। इनका बेड कलर होता है ब्लैक, काले रंग से इन्हें दूर रहना चाहिए। कहते हैं इस अंक के जातक अगर परेशान हैं तो उन्हें भगवान
शिव जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के सर के ऊपर चंद्रमा है, तो इस अंक के जातकों को भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो बनाने में हमारी टीम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क कर रही है और अपने तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, लेकिन हमारी टीम का कहना है कि आप लोग वीडियो तो देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी टीम का मनोबल बढ़ाने में हेल्प करें। हर हर महादेव।